गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम करेंगे अपना पांचवा अध्याय। ये कविता है, कविता का नाम है समय। समय अमूल्य निधि है, सामान्य धन तो आता जाता रहता है, किंतु गया समय फिर वापस नहीं आता। समय का बजट बनाना जिसने सीख लिया, उसने जीने की कला सीख ली, सुख और समृद्धि के भंडार की कुंजी प्राप्त कर ली। वस्तुतः जो समय की कद्र करना सीख गया, वह सफलता का रहस्य समझ गया। समय किसी की ना प्रतीक्षा करता है ना चिंता। अभी समय है, अभी नहीं कुछ भी बिगड़ा है। देखो अभी सुयोग तुम्हारे पास खड़ा है। करना है जो काम उसी में चित्त लगा दो, आत्मा पर विश्वास करो, संदेह भगा दो। तो क्या कहा गया है इस कविता के माध्यम से, समय कविता से? अभी समय है, अभी नहीं कुछ भी बिगड़ा है। देखो अभी सुयोग तुम्हारे पास खड़ा है। करना है जो काम उसी में चित्त लगा दो, आत्मा पर विश्वास करो, संदेह भगा दो। तो कहा गया है कि जो समय है अभी, ये कुछ नहीं बिगड़ा है, समय में समय नहीं बिगड़ा है, और ये एक बार चला गया जो अच्छा समय, फिर वापस नहीं आएगा। अभी तुम्हारे पास में अच्छा समय खड़ा हुआ है। जो काम तुम्हें करना है उस काम में अपना चित लगा दो, उस काम में अपना मन लगा दो। आत्मा पर, यानी कि स्वयं पर, स्वयं की आत्मा पर, खुद पर, स्वयं पर विश्वास करो, संदेह भगा दो। और अगर किसी भी प्रकार का स्वयं के ऊपर संदेह है, शंका है, तो उसे दूर कर दो। पूर्ण तुम्हारा मनोभीष्ट, पूर्ण तुम्हारा मनोभीष्ट, मनोभीष्ट था जो मन की इच्छा है। पूर्ण तुम्हारा मनोभीष्ट क्या कभी ना होगा? पूर्ण तुम्हारा मनोभीष्ट क्या कभी ना होगा? क्या मत कहना चाह रहे हैं कवि? कवि कह रहे हैं कि तुम्हारे मन की इच्छा कभी पूरा नहीं, कभी पूरी नहीं होगी। होगा तो बस अभी, नहीं तो कभी ना होगा। अगर तुम्हारे मन की इच्छा आज पूरी नहीं होगी तो कभी भी नहीं होगी। देख रहे हो श्रेष्ठ समय की किस सपने को? देख रहे हो श्रेष्ठ समय के किस सपने? कौन सा समय तुम देख रहे हो? कौन से समय की बात कर रहे हो? समय जो है वो यही वाला सबसे श्रेष्ठ है। कोई भी काम करने के लिए जो समय होता है, उस समय पर वही सबसे ज्यादा मुख्य और महत्वपूर्ण होता है। उसके अलावा कोई और समय कभी मुख्य नहीं है। देख रहे हो श्रेष्ठ समय की किस सपने को? छलते हो यू हाय स्वयं ही क्यों अपने को? अपने आप को किस बहकावे में रख रहे हो, किस छलावे में रख रहे हो? कौन से झूठे विश्वास में अपने आप को रखा हुआ है तुमने? छोड़ दो, क्योंकि यह जो श्रेष्ठ समय है ये वापस नहीं आएगा। किसी भी सपने को पूरा करने के लिए यही श्रेष्ठ समय है, और अपने आप को छलना बंद करो। अपने आप को अब छलना बंद कर दो। आएगा क्या समय? समय तो चला जा रहा है, अब समय नहीं आएगा। समय तो चलता चला जा रहा है, समय नहीं आएगा वापसी में। देखो जीवन व्यर्थ तुम्हारा चला जा रहा है। समय जो आएगा, समय तो चलता चला जा रहा है। जो जीवन है, देखो जीवन व्यर्थ तुम्हारा चला जा रहा है। वो कह रहा है देखो जो तुम्हारा जीवन है व्यर्थ, वो चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है, धोखा दिए जा रहा है, व्यर्थ हो रहा है तुम्हारा जीवन। जो ये समय है, जो तुम्हारा जीवन है, ये व्यर्थ में खोता चला जा रहा है। जो तो पुरुषों की भांति खड़े हो जाओ, अभी पुरुषों की भांति अभी भी खड़े हो जाओ। अभी भी समय इतना व्यर्थ नहीं हुआ है, अभी भी समय इतना नष्ट नहीं हुआ है। खड़े होना है तो पुरुषों की भांति खड़े हो जाओ, अब भी करके कुछ जग बीच, बड़े हो जाओ अब भी, कुछ करो जग में,
और बड़े हो जाओ, अब भी समय है संभल जाओ। उद्योगी को कहाँ, उद्योगी को कहाँ नहीं सुसमय मिल पाता, उद्योगी को कहाँ सुसमय नहीं मिल पाता, समय नष्ट कर नहीं सौख्य कोई भी पाता। कह रहे हैं कि मेहनती को ऐसा नहीं है कि उन्हें अच्छा समय नहीं मिलता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत मेहनती है तो ऐसा कभी नहीं होगा कि उसका अच्छा समय नहीं आएगा, उसका अच्छा समय जरूर आएगा। समय नष्ट कर नहीं सौख्य कोई भी पाता। समय नष्ट करके कभी कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता है। आलस ही है करा रहा ये सभी बहाने, आलस ही है जो बहाने पे बहाने करता चला रहा है कि ये समस्या आ गई, वो समस्या आ गई। ये सभी जो बातें हैं, ये बहाने हैं, ये केवल आलस के कारण ही हो रहे हैं। जो करना है करो अभी, कल क्या हो जाने। जो भी काम करने हैं वो आज ही करो, ना जाने फिर कल क्या हो जाए। तुच्छ कभी तुम नहीं एक पल को भी जानो, तुच्छ होता है छोटा। तुम अपने आप को कभी भी छोटा मत जानो एक पल के लिए भी। पल पल से बना हुआ जीवन को मानो। तुम क्या करते हो, जो एक पल है एक क्षण के लिए तुम सोचते हो कि क्या हो गया, थोड़ा सा अगर हमने समय खराब कर दिया तो क्या हुआ। लेकिन हर पल को मुख्य मानो, हर पल को महत्वपूर्ण मानो, हर पल बहुत जरूरी है। तो अपने पल को तुच्छ समय में ऐसे खराब मत करो, पल पल से बनाइए पूरा जीवन। ये जो जीवन है ये एक एक पलों से मिलके बना हुआ है, और इसे व्यर्थ मत करो। इसके सदव्य रूप नीर सिंचन के द्वारा, इसके सदव्य, सदव्य होता है अच्छी तरह खर्च जो किया गया है, रूप अच्छी तरह से जो खर्च किया गया है, रूप नीर सिंचन के द्वारा, पानी से सींच कर जो अच्छा अच्छी तरह से खर्च करके जो रूप बनाया गया है, हो सकता है जन्म जन्म तरु सफल तुम्हारा। दूसरों के हित के लिए किया गया कार्य अगर तुम करते हो, किसी दूसरे व्यक्ति की आप मदद करते हो स्वयं के द्वारा, तुम्हारा जीवन फिर कैसा हो जाएगा, सुखमय हो जाएगा। तुम्हारा जीवन मानो सफल हो गया अगर किसी अन्य व्यक्ति की आप मदद कर रहे हो तो। ऐसा सुसमय भला और तुम कब पाओगे, इससे अच्छा समय तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। अगर आज नहीं कर पा रहे हो तो इससे अच्छा समय तुम्हें जीवन में फिर कभी नहीं मिलेगा, और तब पाओगे। ऐसा सुसमय भला और तुम कब पाओगे, खोकर पीछे इसे सर्वथा पछताओगे। इसे हमेशा के लिए खोकर केवल और केवल तुम पछताओगे। जो इसमें वह काम नहीं क्यों तुम कर जाओ। तो इससे अच्छा है कि इसमें वह तुम काम क्यों नहीं कर जाते हो जिसमें परमार्थ, अच्छा परम अर्थ परमार्थ, दूसरों के हित के लिए जो किया गया कार्य है। जन्म तरु यहाँ पे था जन्म रूपी वृक्ष, जो तुम्हारा जन्म रूपी जो वृक्ष है वो सफल हो जाएगा। परमार्थ का अर्थ है परम अर्थ, अर्थात दूसरों के लिए किया गया हित के लिए कार्य परमार्थ, और तुम भी सुख पाओ। ऐसा कुछ काम करो जिससे दूसरों का भी परमार्थ हो, अर्थात दूसरों के हित के लिए भी काम किया जाए और तुम स्वयं भी सुख पाओ। ऐसा कुछ काम करो। तो ये कह रहे हैं कि कवि सियाराम शरण गुप्त जी के द्वारा, यह है हिंदी के प्रसिद्ध कवि श्री मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई थे। सियाराम शरण गुप्त मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई। हिंदी के साथ वे संस्कृत, अंग्रेजी, गुजराती, बंगला आदि भाषाओं के भी ज्ञाता थे। इनकी प्रमुख कृतियां हैं पाथे, अंतिम आकांक्षा, झूठ सच, आद्रा अनाथ, बापू काव्य है, नारी उपन्यास, मानुषी कहानी संग्रह। तो यह है सियाराम शरण गुप्त जी
जो कि मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई थे, इनके द्वारा यह कविता समय लिखी गई है, जिसमें उन्होंने समय का सदुपयोग करने और अपने जीवन को परमार्थ में प्रयोग करने के लिए शिक्षा दी है। इस कविता के माध्यम से विद्यार्थियों को यह सीख दी जाती है कि अपने समय का सदुपयोग किया जाए और जो कार्य करना है उसके लिए आज से उत्तम दिन और कोई नहीं हो सकता। हर पल से जीवन बना हुआ है, इसलिए किसी भी पल को तुच्छ समझना या किसी भी क्षण को तुच्छ समझकर व्यर्थ करना किसी भी प्रकार से अपेक्षित नहीं है। अब आते हैं मौखिक प्रश्नों पर। कवि किस पर विश्वास करने और किसे भगाने की बात कर रहा है? स्वयं पर विश्वास करने और संदेह को भगाने की बात कर रहा है। अच्छा अवसर कैसे पहचाना जा सकता है? अच्छा अवसर वही है जो अभी आपके सामने है, समक्ष है। क्या जाने वाला समय फिर आ सकता है? जाने वाला समय कभी वापस लौट कर नहीं आ सकता। व्यक्ति को कैसे काम करने चाहिए? व्यक्ति को परमार्थ, दूसरों को सुख मिलने वाले कार्य करने चाहिए। व्यक्ति को ऐसे कार्य करना चाहिए जिससे उसका जीवन सफल हो जाए और जिससे उसका स्वयं का जीवन भी सफल हो, साथ ही ऐसे कार्य करे जिससे परमार्थ अर्थात दूसरे व्यक्ति के लिए कोई अच्छा कार्य, दूसरों के हित के लिए किया गया कार्य। हमें कल की चिंता क्यों नहीं करनी चाहिए? हमें कल की चिंता इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि चिंता के द्वारा हमें कल की चिंता इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि जो समय है वह आज है। अगर आज चला गया तो कल वापस वह लौट कर नहीं आ सकता। तो व्यक्ति को कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, अर्थात उसे आज को अच्छा बनाना चाहिए। काम में चित्त लगाने से कवि का क्या तात्पर्य है? काम में मन लगाने से कवि का तात्पर्य है कि जो भी कार्य करना है उसे मन लगाकर कार्य करे ताकि वह पूर्ण रूप से सफल हो सके उस कार्य में। व्यक्ति स्वयं को कैसे छलता है? झूठ बोलकर, आलस के द्वारा, कि यह आलस के कारण व्यक्ति अपने कार्य को पूर्ण नहीं करता, उसके लिए तरह तरह के बहाने बनाता चलता है, बनाना बनाते चला जाता है, इसीलिए वह स्वयं को इस प्रकार वह स्वयं को छलता है। मनुष्य बहाने क्यों बनाता है? मनुष्य बहाने इसलिए बनाता है क्योंकि वह उसका आलस उसे रोक देता है। मनुष्य का आलस ही उसे बहाने बनाने के लिए मजबूर करता है। कवि एक पल को भी महत्वपूर्ण क्यों मान रहा है? कवि एक पल को भी महत्वपूर्ण इसलिए मान रहा है क्योंकि पल पल से यह संपूर्ण जीवन बना हुआ है। समय खोने से क्या होता है? समय खोने के पश्चात वह फिर कभी वापस लौट कर नहीं आता। जो समय एक बार चला गया वह वापस लौट कर कभी नहीं आता। इसीलिए कवि ने कहा है कि समय रहते ही जो कार्य करने हैं वह कर ले, अन्यथा पछतावे के अलावा कुछ भी हाथ में नहीं रह जाता। जो भी अच्छा कार्य करना है उसके लिए वही समय उत्तम है जो उस समय उस व्यक्ति के पास है। इसके शब्दार्थ नोट के अंदर करेंगे आज की डेट में। प्रश्नोत्तर अगली कक्षा में आपको अगली कक्षा में आपको क्वेश्चन पेपर करवाए जाएंगे। धन्यवाद।